शुक्रवार 23 दिसंबर को नॉर्थ सिक्किम में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 जूनियर अधिकारी और 13 जवान सहित 16 वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अधिकारी के मुताबिक घटना जेमा उत्तरी सिक्किम में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था। वो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। जेमा के रास्ते में वाहन तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया, जिसमें 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वीर बलिदानों में राजस्थान के भी 3 जवान शामिल हैं। राज्य में जोधपुर के जवान सुखाराम, झुंझुनू के लांसे नायक मनोज कुमार और जैसलमेर के सूबेदार गुमान सिंह भी शामिल हैं, जिसको लेकर परिवारजनों में गम का माहौल है। वीर जवान 5 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर गए थे। वे राजस्थान के जैसलमेर जिले के जोगा गांव के रहने वाले थे। बलिदानी सूबेदार गुमान सिंह 27 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। वो श्रीनगर और लेह लद्दाख सहित कई जगह पर लंबे समय तक ड्यूटी पर रहे। हाल ही में उनका तबादला सिक्किम में हुआ था। वे 10 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सड़क हादसे में वो अमर बलिदानी हो गए। वीर जवान अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियां और 2 बेटों को अकेला छोड़ गए। शिवालिक जनरल सूबेदार गुमान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।